मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज हम 2-1 से जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे खुश नहीं है। ऐसे सड़े हुए बैठे हुए हैं। वह ग्रोसरी वालों, थोड़ा बहुत रंग निखर आया है अगर छाऊ में बैठ बैठ के कॉमेंट्री करके, तो क्यों खराब कर रहे हो सड़ सड़ के? रमीज़ भाई को देख लो यार। रमीज़ भाई, आपसे तो ये तवक्को नहीं थी यार, कसम से। आप शान मसूद का रमीज़ भाई ने किया इंटरव्यू, ठीक है, मैच जीतने के बाद वो कॉर्नर में वो बैठते हैं ना, वो खातून, वो क्या नाम है उसका, जैनब, वो रमीज़ और शान मसूद। सर, रमीज़ राजा के सवाल सुनने वाले थे यार, 6 कैसे हार गए? मतलब जीत हुई है, अब सीरीज़ जीते हैं 2021 के बाद, अब सीरीज़ जीते हैं, 11-12 टेस्ट मैचेस मेरा ख्याल है कुछ हारे, 7-8 हारे, 4-5 ड्रॉ करने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं। आप उन पर बात करें, स्ट्रेंथ पर बात करें, ट्रैक्स के ऊपर बात करें, इस तरह टीम कम्बिनेशन के ऊपर बात करें, 6 कैसे हार गए हैं, और ये शॉट कैसे गंदी खेली, ये वो। रमीज़ भाई ना सही सड़ियल फुफो बने हुए थे। रमीज़ भाई का ना उस बुड्ढे वाला हिसाब था कि जो ना हर शादी के मौके पर दूल्हा के करीब जाकर बैठता है और उसको कहता है खजूरें खा लेना और दूध याद से पीना है, घोड़ा बनोगे तुम, ठीक है ना, सही स्वागरात इंजॉय करना। वो लड़का ना यूँ शर्मिंदा होके जी जी चाचू या जी फूफा जी, एकदम उसके जहन में आता है, फूफा जी आपकी तो शादी हुई नहीं, आपको इन सारी चीज़ों का कैसे पता? और फिर वो चाचा जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना पिचके हुए शॉपर जैसा है, बारिश में कुछ पिचके हुए शॉपर देखे हैं कभी, जमीन से लेटे पड़े हुए होते हैं, उन जैसा मुंह बना कर ना, ये सिगरेट यूँ मुँह में लगा कर ना, फिर कहते हैं कि बड़ों की बातें नहीं सुननी होती ना, तो बड़ों के पास भी ना बैठा करो इन पंजाबी, जे तुसी साड़ी गल नहीं सुननी तो साढ़े नाल भी ना बबया करो, ये फिर उस तरह का मुंह बना लेते हैं। रमीज़ भाई ने भी वही किया, गुड्डा नहीं रखा हुआ था हैं, शान मसूद की टाइप का गुड्डा, उसको सुइयां नहीं मारी आपने उसके आगे हैं? आपकी मुल्क की टीम जीती है, आपका कप्तान सामने बैठा है। शान मसूद बहुत ज़बरदस्त आदमी है, करेक्टर वाइज ठीक है, बैट्समैन बहुत ज़्यादा सुथरा नहीं है, वट एवर, सर मैं उसको 100% क्रेडिट दूंगा। एक वो चमन में खेलने वाले एक गुलाब साफ़ी ने उससे सवाल किया था ना, वो याद है, वो प्रेसर में, तब भी वो कुछ नहीं बोला था, ठीक है। और आज रमीज़ भाई ने उससे दहाई पुट्ठे सवाल किए, उसको डीग्रेड ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, लड़के ने कुछ नहीं बोला, ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोला, चुप किया रहा बस, ठीक है ये वो। सर ये बताता है कितना खानदानी है, कितना एजुकेटेड है। पीसीबी ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है, ठीक है। शान मसूद ने अपनी डिसकंफर्ट, अपनी मतलब नाराज़गी का इजहार कर दिया पीसीबी के सामने, और पीसीबी डायरेक्ट एक्शन तो ले नहीं सकता रमीज़ राजा के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने हायर किया हुआ रमीज़ को। लेकिन पीसीबी ने मेक श्योर कर लेना है कि अब के बाद रमीज़ भाई को अनकरीब कोई पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं मिलने वाली। अब आप जाओ जाकर युगांडा, वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका और बाकी टीम्स की सीरीज़ कवर करें, आपको पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं मिलने वाली। पीसीबी ठीक ठाक किस्म का डिससेटिस्फाई है रमीज़ राजा के इस कमेंट से, और उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स को जिसे कहते हैं बता दिया कि भैया ये हमें नहीं पसंद आया। तो रमीज़ भाई की ना जो नौकरी है ना, उसके ना घोड़े लग गए हैं, तो नहीं करना था ना। एक उठ के कोई कह देता है जी कि ये सेल्फिश अप्रोच है, आपने अपनी विन्स ज़्यादा करनी है या आपने टेस्ट क्रिकेट बचानी है? ओए बंदा पूछे, भाईजान टेस्ट क्रिकेट बचेगी रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट दिखाकर। लोग बोर हो जाते हैं कि यार 5 दिन टेस्ट मैच चल रहा, ड्रॉ हो रहा है, बैटिंग विकटे हैं, आप दे मार 4.5 रन्स पे रन्स बनाए जा रहे हैं, वो ये चीज़ बोर करती है। पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस, दूसरा और तीसरा, मुल्तान का दूसरा और तीसरा पिंडी का, वो इंग्लिश कमेंटेटर्स को जाकर सुने, वो अश अश कर रहे हैं, वो कहते हैं एंजॉय किया, कमाल की बॉलिंग की है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, हाईली जिसे कहते हैं, वो कहते हैं हाईएस्ट क्वालिटी की बॉलिंग की है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, और ये हमारे, अच्छा सेल्फिश अप्रोच होती है ये, 6 टेस्ट मैचेस भी तो हारे थे, तो आप कौन सा अपनी सारी जिंदगी हर टेस्ट मैच जिताते रहे हो? ज़रा बताओ ना अपनी क्या परफॉर्मेंसेज हैं। वो यूसुफ भाई जो थे ना, एक दफ़ा मोहम्मद यूसुफ भाई, वो एक दफ़ा लाइव कैमरे पर इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने रमीज़ राजा के मुंह पर कहा था कि आप ना अंग्रेज़ी के उस्ताद बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा आपकी क्रिकेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो रमीज़ भाई
अगर आपने हमें अंग्रेज़ी सिखानी है तो उसकी तो मैं मैडम सलमा से या किसी और से ट्यूशन ना पढ़ लूँ। एक तो वो खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह, ऊपर से उनके साथ अंग्रेज़ी में बात करके कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, अपोजिट जेंडर से बात करके कॉन्फिडेंस हाई होता है, ठीक है ना। ये चला जाता है तो अगर आप बात करें, सिर्फ बात करना, छात पे ना चले जाना, बात तक ही रहना, तो बात करो तो उससे कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। वो हम वो ना उनके साथ कर लें, अंग्रेज़ी उनसे ना सीख लें, पैसे दे के सीख लेंगे, हमारी अंग्रेज़ी की आप टेंशन ना लें। आप ना तारीफ करेंगे, हम जो हमने जो मार का मारा है, हमने मिरेकल क्रिकेट किया है। ये अभी तक बैठे हुए हैं रमीज़ भाई, ये वही पिंडी की विकेट है जिस पर आपने अपने ज़माने में पता नहीं 1500-2000 रन बनवा दिए थे, और उस टाइम आप कह रहे थे कि कहाँ से स्पिन ट्रैक बनाएं, उसी पिंडी की विकेट के ऊपर ये स्पिन हुई है गेंदे, पाकिस्तान उसी पिंडी की विकेट के ऊपर टेस्ट मैच जीता है। और अब चूंकि आपके सामने ये सब कुछ हो रहा था तो आपने पकड़ के वो जिसे कहते हैं वो मल्ले का जो लेला होता है उसके सिर बांध दिया, कि वो आपने देखा होगा अक्सर ना मोहल्लों में कोई एक आधा बकरा किसी के पास ऐसा होता है जो किसी सबकी तकरीबन क्यारियाँ ख़राब करता है ना कुर्बानी के दिनों में। आपने जो कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं उनको पता है, वो कभी इसकी क्यारी के पौधे खा जाएगा, कभी किसी के फूल खा जाएगा, कभी क्या कर देगा। तो बाबर आजम को ना आजकल वो लेला बनाया हुआ है सब ने, रमीज़ भाई ने भी उसके ऊपर डाल दिया कि मेरी क्यारी भी इसी ने ख़राब की है। बाबर आजम ही कहता था कि इस किस्म की विकटें बनाओ। आप पीसीबी के चेयरमैन थे, आप कौन सा थते थे, आप कौन सा तोतला बोलते थे कि आपकी समझ नहीं आती थी, या आपको कौन सा बाबर आजम पहले लॉलीपॉप दे देता था कि आप ये चूसें, बातें मैं कर लूँगा, जाने दें, खुदा का खौफ करें। शान मसूद ब्रिलियंट यार, वेल डन, बेहतरीन कप्तानी की है, बेहतरीन पाकिस्तान की टीम जीती है। अब सरकार, हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आपसे राजी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आपसे राजी हैं। ये जो कुछ ग्रोसरी वाले हैं जिनकी अब कोई हालतें नहीं हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है, इनकी परवाह नहीं करनी आपने। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर बैटिंग, अपनी टीम पे कंसंट्रेट करें। आगे टफ साउथ अफ्रीका की टफ सीरीज़ है, वो जीतनी है गुरु इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और तुन के रखो। पीस आउट।